हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ कनक सैनी। आज हम पढ़ेंगे पुया में, जिसे हम गोनोरिया कहते हैं। पुया में जो होता है वो भ्रत त्रय या लघु त्रय में नहीं बताया गया। भाषा जी रत्नावली चैप्टर 89 में अनुसर्ग रोग चिकित्सा प्रकरण में इसका इलाबरेट किया गया। ये औपसर्गिक औपसर्गिक रोग है क्योंकि ये फैलता है। सिनोनिम में यहाँ पे दे रखे हैं पुया में, व्रण में और आगंतुक में। पुया में जो होता है, जैसे यूरिन में जो पस होता है उसकी वजह से कहा गया है। व्रण में इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके जो सिम्टम्स और ट्रीटमेंट होते हैं वुंड की तरह होते हैं, व्रण की तरह होते हैं। और आगंतुक में इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक्सटर्नल कॉज से होते हैं। उष्णवात के लक्षण इस रोग में तीव्र रूप से उभरते हैं, क्योंकि जो उष्णवात है वो मूत्रघात का एक भेद है, जिसे हम दशोत उष्णवात कहते हैं। निदान क्या बताया यहाँ पे कि स्त्री की योनि का अनेक रोगों से क्लीन व कंडू युक्त होना, जिसे बहुभुक्त आर्द्र योनो कहा गया है। रस वाला स्त्री का अनेक पोषक संभोग करना, मतलब जिसे बहुभुक्त वत्याम कहा गया है। पुया में ग्रस्त पुरुष हो और वो स्त्री के साथ मैथुन करता है, उसे पुया में रोग हो जाता है। यहाँ पे संप्राप्ति घटक है पित्तधान त्रिदोष से होगा, रक्त लसिका इसका दुष्य है, मूत्रभाष होता है जिसका मेन है, अधिष्ठान इसका लिंग वृषण बस्ती आदि है, संचार जो होगा रसायनिक द्वारा होगा। लक्षण यहाँ पे क्या बता रखे हैं कि मूत्र मार्ग लालिमा स्रोत होगा, मूत्र क्रच हो सकता है, लिंग के अग्र भाग में कंडू होगी, लिंगोतनात होगा, लिंगोत्थान होगा, लिंग के आकार में वृद्धि होगी और अंड प्रदेश में वेदना होगी, मूत्र मार्ग कुयस्राव होगा, मूत्र वेग आना, मूत्र मार्गगत रक्त स्राव होगा, कभी कभी इसमें मूत्र मार्ग अवरोध हो सकता है, शिशोत्थान होने पर वीर्य स्खलन होगा। तो ये सब यहाँ पे सिम्टम्स दे रखे हैं। इसे कॉम्प्लिकेशन उपद्रव क्या है कि आमवात होगा, औपसर्गिक नेत्र अभिषेक होगा। सामान्य चिकित्सा सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, निदान परिवर्जन करना है, मैथुन को त्याग कर दीजिए, परिस्थिति गमन निषेध है, शिशु का कक्षण करना चाहिए, व्यवस्थित का प्रयोग करें, सुख संयम पर का प्रयोग कीजिए, एकांतवास करना चाहिए, कामोत्तेजक विषय दर्शन भी देखने के लिए सुनने के लिए उनका चिंतन करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैनेजमेंट क्या है यहाँ पे, रस और भस्म है, त्रिभंग भस्म, स्वर्ण भस्म, ये सब यहाँ पे दे सकते हैं। वटी में चंद्रमा, वटी आरोग्य वर्धन, वटी शिला जीत आदि वटी हो जाएगा। चूर्ण में यहाँ पे स्फटिक आदि चूर्ण हो जाएगा, पुया में आदि चूर्ण हो जाएगा, अगली में यहाँ पे चोप चीनी रसायन है और आसा वरिष्ठ में यहाँ पर चंदन आसा ले लीजिए, बिना वरिष्ठ ले लीजिए, घृत में यहाँ पंचतित्त घृत ले लीजिए। पुया में यहाँ चूर्ण यहाँ पे इम्पोर्टेंट बता रखा है कि श्री रेशक तत्व है, यहाँ पे खाद्य तत्व है, सोरक है, स्फटिक है, श्वेत चंदन है, प्रवाल पृष्टि है, रिवर चीनी है, गीली अरमानी है जिसे क्ले कहते हैं, दुग्ध पाषाण है, गैरिक है और हजरान युद्ध पृष्टि है और सीता है। यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था पत्र बताया था, निदान परिवर्तन करना चाहिए, व्रण का व्रत उपचार करें, स्वर्णवंग भस्म है, श्वेत प्रकृति, रस कर्पूर, गंधव रसायन, चंद सेवा बटी, चंदन आदि बटी, स्फटिक आदि बटी और चंदन आसम। तो ये था आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि पुया में किसे कहते हैं। इसका मॉडर्न व्यू जो है गोनोरिया, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।